वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन सीजन 3 एपिसोड 13। तो यार जैसा कि एपिसोड 12 के एंड में सभी ने मायरू को कैरियोके में गाने के लिए फोर्स किया और मायरू काफी अच्छा गा भी रही है और लग रहा है कि अब वो इसे एंजॉय भी कर रही है। और यार कैरियोके के बाद अमाने और मायरू को जल्दी घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि भले ही ये दोनों अकेले रहते हैं बट फिर भी इतनी देर रात तक घर से बाहर रहना मायरू के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। और वैसे भी मायरू ने पहले से इन दोनों के लिए खाना बनाया है तो ये दोनों खाना वेस्ट भी नहीं कर सकते। और यार थोड़ी देर बाद अभी अमाने सोच ही रहा था कि अब नेक्स्ट उसे क्या ड्रिंक करना चाहिए कि तभी तुस्की थोड़े टेंस्ड टोन के साथ उससे पूछता है कि मेरे और चितोसे के जाने के बाद तुमने मेरे फादर से कुछ बात किया था क्या। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि वैसे मैंने तो कुछ ज्यादा बात नहीं किया बट हाँ तुम चिंता मत करो उन्होंने तुम्हारे और चितोसे के बारे में कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स को हेलो कहा। लेकिन या थोड़े कन्वर्सेशन के बाद अमाने ने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें और चितोसे को हमेशा साथ रहना चाहिए तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और यार वैसे तो अमाने कभी किसी के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं कहता लेकिन आज उसे लग रहा है कि ये सारी चीजें कहनी जरूरी है और ये सारी चीजें सुनने के बाद इतुस्की इमोशनल हो रहा है और अपना आंसू कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है और साथ ही इतुस्की के लिए ये थोड़ा एम्बेरेसिंग भी है। एंड यार आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो कि मुझे तुम सबसे पूछनी है, तो अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो तुम्हें पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड किया था, मतलब ये वीडियो। एंड यार बाकी वीडियोस के कंपैरिजन इस वीडियो पे तुमने कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हें ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आया है या फिर इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन तुम पहले से देख चुके हो। तो यार इस वीडियो को लेकर तुम्हारा जो भी ओपिनियन है कमेंट जरूर बताना ताकि मैं तुम्हारे ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो पे काम करूं। सो या बैक टू द टॉपिक, तो यार इतुस्की अभी थोड़ा इमोशनल है लेकिन फिर भी उसने आगे ये भी बताया कि उसके फादर का चितोसे को ना पसंद करने के पीछे का रीजन उसका बड़ा भाई भी है। और ये सुनते ही अमाने को याद आया कि हाँ इतुस्की का एक बड़ा भाई भी है तो एक तरह से देखा जाए तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसे लेनी चाहिए। लेकिन आगे इतुस्की ने ये भी बताया कि पहले फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बड़ा भाई ही लेने वाला था जो कि उससे 8 साल बड़ा है लेकिन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब उसका बड़ा भाई बाहर निकला तो उसे रियलाइज हुआ कि आखिर मैं क्यों किसी के पहले से बनाए हुए रास्ते पर चलूं, मुझे अपना खुद का रास्ता बनाने का पूरा हक है। और यहीं से इतुस्की की सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। जैसे ही उसके बड़े भाई ने फादर के अगेंस्ट अपना खुद का रास्ता चुना, इतुस्की के फादर ने फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतुस्की के ऊपर डाल दी। और यह इतुस्की का ये भी कहना है कि उसके पिता अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यहाँ तक कि उनकी माँ से भी ज्यादा, क्योंकि उनकी माँ हमेशा अपने काम में बिजी रहती है। इसलिए इतुस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके फादर उसका बुरा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ ये भी सच है कि उसकी खुशी चितोसे के साथ ही है इसलिए दोनों अपने अपने जगह एक तरह से देखा जाए तो सही हैं। और यार इसी वजह से इतुस्की के बड़े भाई ने भी अपना घर छोड़ा था क्योंकि उसे भी एक लड़की से प्यार था और उस लड़की को दाइकी ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। और यार आगे इतुस्की ने अमाने को ये सारी चीजें भी बताई कि वो कैसे पहले एक सीरियस ऑनर स्टूडेंट था लेकिन चितोसे से मिलने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। और यार अमाने भी इतुस्की के इस सिचुएशन को समझ रहा है। एंड यार ये सारी बातें हो ही रही थी कि बीच में इतुस्की ने ये भी बताया कि जब चितोसे उसके फादर से पहली बार मिली तो उसके बिहेवियर से दाइकी को चितोसे बिल्कुल इतुस्की की मदर की तरह लगी और सिंस उसकी मॉम हमेशा अपने काम में बिजी रहती हैं और अपने फैमिली को जरा भी टाइम नहीं देती हैं इसलिए दाइकी को डर है कि अगर चितोसे इतुस्की के लाइफ में रहेगी तो वो भी आगे चल के इतुस्की की मदर के जैसे ही बिहेव करेगी। लेकिन यार यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इतुस्की ने अपने फादर से इस बारे में फेस टू फेस कभी बात ही नहीं किया है और ना ही उसने ये सारी चीजें चितोसे को बताया है क्योंकि अगर चितोसे को ये सारी चीजें पता चलेगी तो उसे लगेगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी ही गलती है। मगर इतुस्की नहीं चाहता है कि चितोसे खुद के बारे में ऐसा कुछ सोचे और इसीलिए इतुस्की इन सारी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा है। और सारी चीजें कहने के बाद इतुस्की अमाने से ये भी कहता है तुम प्लीज ये सारा कन्वर्सेशन किसी को मत बताना और इस बारे में कभी भी चितोसे से बिल्कुल बात मत करना। और यार ये जाहिर सी बात है कि अमाने आज जो कुछ भी बातें हुई वो चितोसे को तो बिल्कुल नहीं बताएगा। और यार ये सारे कन्वर्सेशन के बाद इतुस्की और अमाने अपने नॉर्मल फेस के साथ वापस कैरियोके रूम में चले गए मानो अभी कुछ हुआ ही नहीं। और यार इस कैरियोके पार्टी के बाद सभी रेस्टोरेंट जाने वाले हैं जहां रियल आफ्टर पार्टी होगी लेकिन वहीं अमाने और मायरू को सबसे अलग होना पड़ेगा और इस चीज के लिए अमाने को थोड़ा बुरा भी लग रहा है। हालांकि मायरू को भी रेस्टोरेंट जाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है इसलिए दोनों घर वापस आ गए और घर वापस आकर डिनर करने के बाद दोनों बातें कर रहे हैं। एंड अमाने को लग रहा है कि मायरू के मन में कुछ तो है बट वो कह नहीं पा रही है। और इससे भी बड़ी बात अमाने को पता है कि मायरू के मन में कुछ नेगेटिव नहीं चल रहा है इसलिए अमाने मायरू की आंखों में देखते हुए उससे पूछ रहा है कि आखिर क्या हुआ। एंड अमाने के पूछने पर मायरू ने उसे याद दिलाया कि तुम्हें याद है ना कल्चरल फेस्टिवल में मैंने तुमसे कहा था कि फेस्टिवल एंड होने के बाद मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और ये सुनते ही अमाने को याद आया कि हाँ मायरू ने ऐसा कुछ तो कहा था। और साथ ही मायरू अमाने से ये भी पूछ रही है कि तुम हमेशा मुझे देखोगे ना और ऐसी और कई सारी चीजें। और अमाने सोच रहा है कि मायरू अचानक से ये सब क्यों पूछ रही है। जिसके बाद मायरू ने बताया कि कैरियोके में काफी लड़कियों को तुम चार्मिंग लग रहे थे और साथ ही कल्चरल फेस्टिवल में बटलर के यूनिफॉर्म में काफी लड़कियां तुम्हें घूरी जा रही थी और लड़कियां भी अमाने में अब इंटरेस्टेड हैं। ये सारी चीजें देखकर मायरू को बहुत ज्यादा जलन हो रही है। हालांकि उसे पता है कि अमाने को सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार है। और यार मायरू ने अमाने से ये भी कहा कि पूरे फेस्टिवल में जब भी फीमेल
कस्टमर्स तुमसे बात कर रही थी, मुझे वो जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये सारी चीजें सुनकर अम्माने मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे रियलाइज हो रहा है कि वो भी पूरे कल्चरल फेस्टिवल के दौरान मायरू के बारे में भी ये सेम चीजें सोच रहा था। और ये कहते हुए मायरू अम्माने के करीब आई और वो अम्माने से पूछ रही है कि अगर मैं आज रात तुम्हारे अपार्टमेंट में रुकूंगी तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एंड यार मायरू आखिर क्या कहना चाहती है ये रियलाइज करने में अम्माने को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मायरू ऐसा कुछ कहेगी। एंड सिंस अम्माने ने अभी तक मायरू के सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मायरू उससे फिर से पूछती है कि अगर मैं आज घर ना जाऊं तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और यार अगर तुम्हें याद है तो सीजन 2 में इन दोनों ने अम्माने के होम टाउन में साथ में रात बिताई है, बट अगर एक तरह से देखा जाए तो कह सकते हैं कि वो बस हो गया था, क्योंकि इन दोनों ने साथ में रात बिताने का प्लान बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन आज सिचुएशन अलग है, मायरू सच में आज की रात अम्माने के साथ बिताना चाहती है। एंड मायरू की इस बात को प्रोसेस करने में अम्माने को थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड मायरू ने जो कुछ भी कहा उसके बारे में सोचते हुए अम्माने मायरू का फेस देख रहा है और वो नोटिस करता है कि मायरू का चेहरा बहुत ज्यादा रेड हो चुका है और अम्माने की भी कुछ हद तक यही हालत है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मायरू ऐसा कुछ पूछेगी। और साथ ही मायरू के चेहरे से ये भी लग रहा है कि वो अम्माने को डांटना चाहती है कि आखिर क्यों उसे ये सारी चीजें समझने में इतना टाइम लगता है। एंड ये रियलाइज करते ही अम्माने ने हाँ या ना की जगह मायरू से ये पूछा कि घर ना जाने के पीछे का तुम्हारा इंटेंशन क्या है, जिसका मायरू ने जवाब दिया कि मेरा इंटेंशन अभी जो मैंने कहा सेम वही है, मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। और यार ये चीज सुनकर अम्माने समझो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, क्योंकि मायरू की ये सारी बातें उसके लिए पूरी तरह सरप्राइज से भरी हुई हैं, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पा रहा है। बट इसके बावजूद भी मायरू उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रही है। और अब हालांकि मायरू ये सारी चीजें कहने के बाद बहुत ज्यादा साई फील कर रही है, बट फिर भी वो अम्माने की आंखों में देखते हुए कहती है कि क्या इतना काफी नहीं है कि मैं पूरे 2 दिन के लिए तुमसे अलग थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जिसके बाद अम्माने का भी कहना है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो, बट क्या ये गलत नहीं होगा। और यार अब तक मायरू को समझ जाना चाहिए था कि अम्माने पागल है। यार हाँ, मैं अम्माने को पागल कहूंगा, हालांकि नॉवेल में उसे जेंटलमैन कहा गया है, बट यार ये सिचुएशन ऐसा है जहाँ मायरू अम्माने के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है, बट अम्माने को डर है कि अगर इन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड किया तो वो अपनी पावर्ड फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और शायद उससे कुछ गलती भी हो जाए। बट यार तुम ही बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि मायरू खुद चीजों को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहती है, तभी तो उसने साथ में नाइट स्पेंड करने को कहा। हालांकि अम्माने को ये भी लगता है मे बी मायरू सिंपली बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। और यार अपनी बात कहने के बाद मायरू लगातार अम्माने की आंखों में देख रही है और उससे क्वेश्चन भी कर रही है कि क्या कपल्स के लिए साथ में नाइट स्पेंड करना कॉमन नहीं है। बट यार अम्माने का कहना है कि अभी हमें डेटिंग स्टार्ट किए हुए कुछ ही मंथ हुए हैं तो शायद। एंड अम्माने का ये रिप्लाई सुनते ही मायरू ने उसे याद दिलाया कि उसके होम टाउन में इन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड किया था, तो ये चीज कहने के लिए अम्माने काफी लेट हो चुका है। और साथ ही उसे अब लग रहा है कि अम्माने उसके साथ नाइट स्पेंड करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और जैसे ही अम्माने को रियलाइज हुआ कि मायरू ऐसा कुछ सोच रही है, उसने तुरंत कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर मेरा बस चले तो मैं हर एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। एंड हर एक रात वर्ड सुनकर मायरू बहुत ज्यादा खुश है और उसे अब थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा है। जिसके बाद अम्माने ने अपना डर भी बताया कि उसे डर है कि अगर मायरू उसके साथ नाइट स्पेंड करेगी तो मे बी वो कुछ गलत न कर दे। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि मायरू को अम्माने पर पूरा ट्रस्ट है और अगर वो चीजों को आगे बढ़ाना चाहेगा तो शायद मायरू उसे रोकेगी भी नहीं। लेकिन यार अम्माने के मन में लगातार यही चल रहा है कि क्या वो खुद को कंट्रोल कर पाएगा। एंड इन सारी फीलिंग्स के बावजूद भी वो हमेशा मायरू के साथ रहना चाहता है, इसलिए उसने मायरू का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और आज की रात ये दोनों साथ में बिताने वाले हैं। जिसके बाद मायरू ने अम्माने को बहुत टाइटली हग किया और उसका कहना है कि प्लीज आज तुम जेंटल रहना। और मायरू के इस बात से ये तो साफ है कि आज वो अम्माने के हर एक डिसीजन को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन यार अम्माने की जो हरकतें हैं उससे मुझे तो लगता है कि मायरू को अम्माने के डिसीजन को एक्सेप्ट करने की नहीं, बल्कि अम्माने को मायरू के डिसीजन को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और यार साथ ही अम्माने को ये भी लग रहा है कि अगर इतुस्की को ये सारी चीजें पता चलेंगी तो वो पक्का यही कहेगा कि आज का दिन है, तुम्हें मर्द बनना ही होगा। लेकिन यार अम्माने नेक्स्ट स्टेप पर जाने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, क्योंकि यार जो कुछ भी वो करेगा उसका सबसे ज्यादा अफेक्ट मायरू पर पड़ेगा। और यार साथ ही उसे ये भी लगता है कि सिंस ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें नेक्स्ट स्टेप पर जाना ही चाहिए। एंड यार सिंस मायरू आज की रात अम्माने के अपार्टमेंट में रुकने वाली है, इसलिए अम्माने मायरू से कह रहा है कि ठीक है तब तुम पहले अपने अपार्टमेंट में जाकर नहा लो, क्योंकि मेरे अपार्टमेंट में ना ही तुम्हारा स्किन केयर प्रोडक्ट है और ना ही बदलने के लिए कपड़े। बट यार अम्माने का ये सजेशन सुनकर मायरू का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया है, जिसे देखकर अम्माने को डर है कि कहीं मायरू ने उसके बातों का कुछ गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया। इसलिए वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए अभी कुछ बोलने ही वाला था कि मायरू ने उससे पूछा कि सिहोको और सुतो-सान साथ में नहाते हैं ना, जिसका अम्माने ने जवाब दिया हाँ तो फिर। और मायरू थोड़ा हिचकिचाते हुए अम्माने से कह रही है कि मेरा कुछ गलत मतलब नहीं है, लेकिन सिंस आज रात मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में रुकने वाली हूँ तो हम साथ में नहा सकते हैं, है ना। एंड यार तुम्हें तो पता ही है कि अम्माने कैसा है, अभी थोड़ी देर पहले मायरू उसके अपार्टमेंट में रात बिताने के लिए उससे पूछ रही थी, ये चीज भी उसे समझने में काफी टाइम लगा। तो तुम समझ ही सकते हो कि जब मायरू ने साथ में नहाने के लिए अम्माने से पूछा तो अम्माने
पूरी तरह सरप्राइज होगा ही, इसलिए वो फिर से सोच रहा है कि क्या उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, क्योंकि यार जापानीज कल्चर में नहाते टाइम एक भी क्लोथ अलाउड नहीं है। और थोड़ी देर सोचने के बाद अमाने को यकीन है कि उसने कुछ भी गलत नहीं सुना है, और साथ ही उसे ये भी पता है कि अगर आज ऐसा कुछ भी हुआ तो वो सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अमाने और मायरू साथ में शावर लेने वाले हैं, और अगर ऐसा होगा तो क्या अमाने खुद को कंट्रोल कर पाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो या टिल द एंजॉयर एनिमे मिल्क एपिसोड 14 में।